हाय एवरीवन, इस स्टूडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये निकालना लोगों को बहुत दिक्कत आता है, इसके लिए मैं आज ट्रिक लाया हूं। तो हमारा मैग्नीशियम का हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रोटोन जो है हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर हमारा मैग्नीशियम का कितना है, 12 है। तो हमारा प्रोटोन भी कितना होगा, 12 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 24 माइनस 12 करेंगे तो हमारा 12 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन भी हमारा 12 होगा। कब, जब हमारा एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, एटम हमारा न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज आ जाएगा, जैसे इस पर हमारा आया 2+ आ गया, चार्ज आ गया, हमारा प्रोटॉन वही रहेगा, न्यूट्रॉन वही रहेगा, लेकिन प्लस चार्ज आया है तो उसे हम लोग एटॉमिक नंबर से जितना चार्ज आया उसे घटा देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अब हमारा इसमें तो हमारा प्रोटॉन इसमें 16 रहेगा, न्यूट्रॉन हमारा इसमें 16 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आया है तो माइनस चार्ज आया है तो प्लस कर देंगे, किससे, एटॉमिक नंबर से। अगर प्लस आया तो क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे। और ये आप लोग अपने से एक बार देख के समझ लीजिए। तो ये ट्रिक है जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए ओके, थैंक यू।